हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में इंटेस्टाइनल वॉल्स के बारे में बात करेंगे। ये एडल्ट्स और चिल्ड्रन, बच्चों में और बड़ों में दोनों में भी हो सकता है। और बच्चों में पेट में अगर कीड़ा हो तो कौन सा दवा लेना चाहिए, एंड बड़ों में अगर पेट में कीड़ा हो तो कौन सा दवा लेना चाहिए, हम इस वीडियो में जान लेंगे। फिर शुरू करते हैं वीडियो। यूजुअली क्या है, पेट में जब कीड़ा होता है कॉमन सिम्टम्स क्या रहता है? कॉमनली वी आर सीइंग इंटेस्टाइनल वॉर्म्स आर प्रोड्यूसर सिम्टम्स लाइक पेन अब्डोमेन, पेट में दर्द रहता है, डायरिया, नौसिया और वॉमिटिंग भी रहता है, गैस एंड क्लॉटिंग सेंसेशन रहता है। कुछ पेशेंट में हम फैटिक देखते हैं एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। कितना भी खाना खा लिए फिर भी पेशेंट पतले ही रहते हैं, यही एक मेन सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। भूख अच्छा है लेकिन वेट लॉस हो रहा है हमारे बच्चे का, ऐसा ज़्यादा पेशेंट यही सिम्टम के साथ आते हैं। एंड अब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस, पेन अब्डोमेन रहता है, दवाई डालते जब पेट दर्द क्या है कंट्रोल में रहता है, एंड दवाई ख़त्म होने में अगेन पेट दर्द होता है, ये भी एक लक्षण है पेट में वॉर्म्स होने का एंड पतले होने का। खाना अच्छा खाते रहते हैं लेकिन पेशेंट का वेट लॉस होते रहता है। एक दो पेशेंट कने हम बहुत ही ज़्यादा पेशेंट कने हम ये सिम्टम्स देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, पेशेंट कने क्या है, लूज मोशंस, रिपीटेड लूज मोशंस होता रहता है एंड पेन अब्डोमेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, गैस एंड ब्लॉटिंग सेंसेशन, ये सब सारी चीज़ें जो है वॉर्म्स के सिम्टम्स है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर सीइंग इन चिल्ड्रन इज वाइट स्पॉट्स, मुंह के ऊपर क्या है वाइट स्पॉट देखते हैं। फेस के ऊपर ये जो व्हाइटिश डिस्कलरेशन स्पॉट जो रहते हैं वो क्यों दिखता है बोले तो, विथ ए वॉर्म इन्फेस्टेशन इट इज़ पॉसिबल टू हैव एन इम्पेयरमेंट इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू डाइजेशन एंड दिस कैन कॉज व्हाइट स्पॉट ऑन द स्किन। यही एक वजह है, स्पेशली विटामिन अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है जब पेट में वॉर्म्स रहते हैं ना, वो डिस्टर्ब करते हैं डाइजेशन अब्जॉर्प्शन फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, इसके वजह से क्या है फेस के ऊपर हम वाइट स्पॉट दिखने चालू होते हैं। इसी के वजह से बच्चों में मुंह के ऊपर वाइट स्पॉट दिखना चालू होता है, ये एक इंडिकेशन है पेट में वॉर्म है बोल के। नेक्स्ट स्लाइड हम इस वर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में जान लेंगे। इस वर्म इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी एक दवाई आती है, वो है बैंडी प्लस सस्पेंशन रहता है। ये सस्पेंशन क्या है बच्चों में यूज़ करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन है अलबेंडाजॉल एंड आई वर्मेक्टिन। ये जो है कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन है ये बहुत ही यूज़फुल है। इट इज़ यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस वॉर्म इन्फेक्शंस। दिस मेडिसिन वर्क्स बाय पैरालाइजिंग द वॉर्म्स एंड आल्सो बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम अब्जॉर्बिंग यूअर बॉडीज ग्लूकोज। दिस अल्टीमेटली स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द वॉर्म दस ट्रीटिंग द इन्फेक्शन। ये इस जरिए काम करता है, ये वॉर्म को पैरालाइज करता है और वो बॉडी से ये जो भी ग्लूकोज लेते रहता है उसे बंद करता है। इस तरह से क्या है हम वॉर्म का इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट कर देंगे बाय यूजिंग दिस अलबेंडाजॉल मेडिसिन एंड आइवरमेक्टिन। ये जो कॉम्बिनेशन वाला है ये मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड इसका डोसेज कैसा लेना है बोले तो, यूजुअली क्या है बच्चों में एज के हिसाब से हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसका क्या है डोसेज मैं ये बता दूंगी। इसका मेडिसिन बैंडी प्लस में ये जो कंटेंट रहता है फॉर चिल्ड्रन सस्पेंशन रहता है 5 ml contains 1.5 mg of ivermectin and 200 mg of albendazole.
ये जो मेडिसिन रहता है ये आफ्टर 6 मंथ्स के बच्चों 6 ईयर्स के बच्चों को यूज़ करते हैं एंड ये एट ए टाइम बच्चों को पिलाना है वन डे में। अगर बच्चे लेस देन 6 ईयर्स बच्चों का उम्र 6 साल से अंदर रहा तो आप पेडियाट्रिशियन एंड बच्चों के डॉक्टर का ने मिलकर जानकारी पा ले। ये अबो 6 ईयर्स बच्चों के लिए है। एट ए टाइम ये 5 ml का ये जो सस्पेंशन है वो पिला देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है बड़ों में बैंडी प्लस आता है। फाइन फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं बैंडी प्लस फॉर अडल्ट। ये अबो जो 12 ईयर्स रहता है ये यूज़ कर सकते हैं ये टैबलेट को। इसमें क्या है आइवरमेक्टिन 6 mg है एंड अलबेंडाजॉल है 400 mg। ये एक टैबलेट एट ए टाइम लेना चाहिए 12 साल बच्चे एंड ये जो अप टू 20 ईयर्स एक टैबलेट उनको इनफ होता है। अगर पेट में कीड़ा रहा तो अबव 20 ईयर्स के जो अडल्ट है उनको क्या है 3 महीने तक लेना है। एक लेना है एक मंथ गैप लेना है। सिर्फ एक टैबलेट लेके एक मंथ गैप रखना चाहिए और एक टैबलेट लेना है और एक मंथ गैप रख के और एक टैबलेट लेना चाहिए। 3 साइकल्स ऑफ मेडिसिन अडल्ट में जो भी 20 साल के बाद है उन्हों 12 साल बच्चे सिर्फ एक टैबलेट लेके बंद करना है उनको। उसी एक ही टैबलेट में कम हो जाता है पेट में के कीड़े। बच्चों में क्या है ओरल सस्पेंशन 6 ईयर्स के बाद लेना है। अगर 6 ईयर्स के कम बच्चों को अगर हम कीड़ा देखते हैं तो यही मेडिसिन यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपन उनका वेट क्या है और डॉक्टर के सलाह के साथ लिए तो करेक्ट रहता है। ओके आई होप ये मेडिसिन आपको समझ में आया है। ये वेरी यूजफुल मेडिसिन है पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए और ये यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन है। ये बहुत ही लाभदायक है पेट में जो कीड़े होते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी हाउ टू हैंडल इंटेस्टाइनल वॉर्म पेट में हुए सब कीड़े को कैसे हैंडल करना है आपको जानकारी मिल गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ फ़ायदा लगे तो ज़रूर एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।